हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे परमुटेशंस के बारे में। तो मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में ही डिफाइन किया था कि जो परमुटेशन होता है, मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि ये परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन डिफिनिट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। ये मैंने आपको डेफिनेशन बताया था और मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लीजिए आपके पास तीन दोस्त ए बी और सी हैं। मुझे क्या करना है कि इनमें से तीनों को, या फिर मैं मान लेता हूं कि मुझे दो को ही एक पार्टी में बुलाना है और उनको बुलाकर एक रो में ऐसे बिठाना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं ए और बी को बुलाता हूं, तो ए को पहले बी को बाद में बिठा दिया, या बी को पहले ए को बाद में बिठा दिया। हो सकता है बी और सी को बुलाऊं तो बी को पहले सी को बाद में, या फिर सी को पहले बी को बाद में, या फिर ए और सी को बोलो तो ए को पहले सी को बाद में, या सी को पहले ए के बाद ए को बाद में। तो यही ना आपका अरेंजमेंट हो सकता है। तो ये टोटल जितने भी अरेंजमेंट देख रहे हैं, हर एक को हम लोग इस हर एक अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, परमुटेशन कहेंगे। इज कॉल्ड परमुटेशन। इस हर एक को क्या कहेंगे, परमुटेशन कहेंगे। तो ये तो हम लोग पहले ही समझ चुके थे। अब परमुटेशन का नोटेशन क्या है, इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके पास एन थिंग्स हैं और उसमें से आपको आर थिंग्स को चुनना है, उसमें से कलेक्ट करना है, लेना है, ठीक है ना जी। तो उसको एन पी आर ऐसे डिनोट करेंगे, या फिर बेस में एन पी यहां और आर ऐसे ऐसे डिनोट करेंगे, या पी ब्रैकेट में एन कॉमा आर ऐसे भी लिख सकते हैं, और पी द पावर एन और बेस आर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको एन पी आर पढ़ेंगे। और ये क्या होता है, ये क्या होता है कि एन थिंग्स में से आर को जब एक ही टाइम में लिया जाता है, जबकि आर क्या होगा, वन और वन से ग्रेटर होगा, बट एन से लेस देन होना चाहिए, या इक्वल भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स taken r at a time, जहां r क्या होना चाहिए, वन से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए, बट लेस देन और इक्वल टू n होना चाहिए, ठीक है। इज डिनोटेड बाय द इन सभी सिंबल से, सिंबल इनमें से कोई भी आप सिंबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इनमें से कोई भी आप सिंबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास 10 थिंग्स है और उसमें से 8 को चुनना है, तो उसे NP8 कहेंगे, NP8 से डिनोट करेंगे। अब इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, इससे डिनोट करेंगे, लेकिन ये होता किसके इक्वल है, चलिए इससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा, अब इससे रिलेटेड थ्योरम है आपके बुक में, उनको देख लेते हैं, जिससे हम लोग प्रूव करेंगे कि इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है। चलिए देखते हैं थ्योरम फर्स्ट क्या कह रहा है, कि लेट आर एंड एन बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट आर जो है वन के इक्वल है या वन से ग्रेटर है, बट लेस देन और इक्वल टू एन है। देन द नंबर ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम इज गिवन बाय दिस, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें दिखाना होगा कि एन पी आर एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री ऐसे करके एन माइनस आर माइनस वन के इक्वल होता है। ये हमें यहाँ पे ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। यानी कि एन पी आर इतना के इक्वल होता है, हमें ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ले लेते हैं, लेट द एन डिफरेंट थिंग्स बी ए वन ए टू ए थ्री ऐसे करके कहाँ तक, ए एन तक दिए गए हैं, ये एन डिफरेंट थिंग्स हैं, और हम लोग को इन्हें आर प्लेसेस, इनमें से आर को ही ना चुनना है जी, आर को चुनना है तो इनको आर प्लेसेस पे ना रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। चलिए इस तरह से देख लीजिए, ठीक है।
चलिए इस तरह से, ये हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, उसी तरह से आगे बढ़ जाएंगे। यहां पे हम लोग आर माइनस वंथ और यहां पे आर्थ, ठीक है, आर्थ इंच को चुनना है इसमें से। अब देखिए हम लोग यहां पर बात करेंगे कि फर्स्ट प्लेस पर, फर्स्ट प्लेस पर हमारे पास ये जो एन थिंग्स है इनमें से किसी को भी रख सकते हैं, यानी कि यहां पे रखने का वे कितना हो जाएगा, टोटल एन वे हो जाएगा। अच्छा सेकंड प्लेस पर देखिए, जब इनमें से कोई एक जब यहां पे रख देंगे तो कितने बच जाएंगे इसमें थिंग्स, आपके पास एन माइनस वन थिंग्स, तो एन माइनस वन के लिए एन माइनस वन वे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस प्लेस पे देखिए, जब एन माइनस वन थिंग्स यहां रख दिए तो अब जितना एक और कम हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे n माइनस टू थिंग्स आ जाएगा, n माइनस टू थिंग्स आ जाएगा, तो उसको n माइनस टू वे से हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, इनमें से कोई भी रख सकते हैं n माइनस टू थिंग्स में से। तो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग बारे इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आर्थ प्लेस पर, आर्थ आर्थ प्लेस पर नंबर ऑफ थिंग्स कितने बच जाएंगे, तो n माइनस आर और प्लस वन, तो इतने थिंग्स बचेंगे। तो इतने थिंग्स को हम लोग कितने तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं, एन माइनस आर प्लस वन वे से, है कि नहीं जी। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फील्ड अप बाई एनी वन ऑफ द एन थिंग्स, इनमें से ए वन ए टू ए थ्री जो ए एन तक दिए, इनमें से कोई भी आप फिल कर सकते हैं, है ना। इन कितना तरीके से कर सकते हैं, एन वेज से, एन वेज से। तो अब इसके बाद जब एक इसमें फिल कर दिए तो बच जाएंगे एन माइनस वन थिंग ना, तो यहां पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ थिंग्स लेफ्ट आफ्टर After filling up the first place, कितने बच जाएंगे n माइनस वन। तो अब एन माइनस वन को सेकेंड प्लेस पर कितने रखेंगे, n माइनस वन में से, तो यहां पर लिख सकते हैं कि सेकेंड प्लेस, ऐसे लिख देते हैं, सेकेंड प्लेस कैन बी फील्ड अप बाई एनी वन ऑफ द रिमेनिंग एन माइनस वन थिंग्स, क्योंकि एन माइनस वन थिंग्स में से किसी को भी भर देंगे तो उसके लिए कितना हो जाएगा, एन माइनस वन वेज हो जाएगा, है ना, या फिर यहां लिख देते हैं इन एन माइनस वन वेज, ठीक है। चलिए तो एन माइनस वन वेज, तो अब सेकेंड प्लेस को भी जब फिल कर देंगे तो नाउ कितने थिंग्स बच जाएंगे, नंबर ऑफ थिंग्स लेफ्ट आफ्टर आफ्टर फीलिंग अप द फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेस, एन माइनस टू थिंग्स बच जाएंगे तो इनको कैसे फिल करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिख सकेंगे ये जो थर्ड प्लेस है, थर्ड प्लेस कैन बी फील्ड अप बाय एनी वन ऑफ द रिमेनिंग एन माइनस टू थिंग इन कितने वे से, एन माइनस टू वेज। तो यहां पे लिख सकते हैं आप, सो द नंबर ऑफ वेज ऑफ फीलिंग अप फर्स्ट प्लेस एन वे हो जाएगा, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू फीलिंग अप सेकेंड प्लेस एन माइनस वन,
फिर द नंबर ऑफ वेज टू फीलिंग अप थर्ड प्लेस n-2। उसी तरीके से अब आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही आगे चलेंगे, तो नंबर ऑफ लास्ट वाले के लिए बात कर लेते हैं, सबको लिखना जरूरी है, वेज ऑफ फीलिंग अप आर्थ प्लेस। आर्थ प्लेस पे क्या हो जाएगा, तो जो आंसर प्लेस हो रहा है, देखिए n माइनस टू का मतलब क्या है, n-3-1, ये सेकंड प्लेस के लिए क्या हो रहा है, n-2-1, है ना, इस तरह से आप इसी के अकॉर्डिंग सोचते, आर्थ प्लेस के लिए क्या आ जाएगा, n-r-1, जिस प्लेस के लिए बात हो रहा है उससे एक कम यहां सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देख रहे हैं ना जी, तो उसे एक कम करके यहां पर सब्ट्रैक्ट कर लिए, है कि नहीं। तो यहां पर लिख सकते हैं कि यहां पर लिख सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग आर थिंग्स फ्रॉम एन गिवन थिंग्स, ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, सबके प्रोडक्ट के, एन हो जाएगा n(n-1)(n-2)(n-2), कहां तक चला जाएगा, n-r-1, तो --+1 हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं, बात को समझे ना जी। तो यही ना हमें ना प्रूव करके दिखाना था कि npr, इसका मतलब npr ही ना होगा कि n(n-1)(n-2)(n), ये कहां तक चला जाएगा, n-r+1, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं n(n-1)(n-2)(n-3) कहां तक, यहाँ n-r-1, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए थ्योरम टू देखते हैं क्या कर रहा है, प्रूव दैट, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि परमुटेशन है n, देखो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास n डिफरेंट थिंग में से r को एट ए टाइम जब चूज करना होता है, जहाँ r जो होगा ये क्या होगा, 1 और 1 से ग्रेटर होगा बट लेस देन इक्वल टू n होगा, यही ना, तो npr जो होगा इतना के इक्वल होगा, इसे हम लोग प्रूव करना है। तो अभी हमने देखा ऊपर देखा ना जी कि npr जो है इक्वल होता है n(n-1)(n-2) कहाँ तक, n-r+1 के इक्वल, है ना, फ्रॉम थ्योरम फर्स्ट से हमने देखा ना, अभी यही ना हम लोग देखे थे जी, इसके इक्वल होता है। अच्छा, हम लोग इक्वल टू में देखिए यहाँ क्या करते हैं, ऊपर यहाँ देखिए यहाँ पे n-r+1 तक है, तो इसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, ऊपर ही देखिए n(n-1)(n-2)(n) टोटल कहाँ, n-r+1, इसी में इंटू कर देते हैं, इसके बाद देखिए इसे एक और काम करेंगे तो n-r, है ना, ऐसे ही करके ये कहाँ चला जाएगा, ये कम करते करते 3-1 तक आ जाएगा, है ना जी, चलिए 1 तक आ जाएगा, और नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे डिवाइड भी कर देते हैं, ये कहाँ तक, 3-1 तक, तो ऊपर जो होगा आपका n फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे ये 1, 2, 3 कहाँ, n-r तक है, तो ये n-r का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि npr जो होगा इक्वल होता है n का फैक्टोरियल और बाई में n-r के फैक्टोरियल के, यहाँ से हमने इसे दिखा दिया, ठीक है, तो ये हमें प्रूव कर दिया, समझ गए। क्वेश्चन थ्योरम 3 देखिए, द नंबर ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, यानी कि सभी को चूज किया जाएगा, यानी कि हमें एट अ टाइम इज n का फैक्टोरियल, यानी कि हमें npn जो है वो दिखाना है कि वो n के फैक्टोरियल के इक्वल होगा, है ना, n डिफरेंट डिस्टिंक्ट थिंग में से टेकन ऑल, यानी कि सभी n को एट ए टाइम जब चूज किया जाता है तो उसका फैक्टोरियल जो, उसका वैल्यू जो होगा, उसका परमुटेशन जो होगा वो n फैक्टोरियल के इक्वल होगा। देखिए आपके पास n डिफरेंट थिंग है, मतलब लेते हैं कि लेट a1 a2 a3 ऐसे करके an तक bn डिफरेंट थिंग्स या डिस्टिंक्ट थिंग्स ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग n को चूज करेंगे तो आप n प्लेसेस लेने होंगे, है ना जी, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट सेकेंड
थर्ड, ऐसे करके क्या ले लेंगे, एंथ तक ले लेंगे। चलिए यहाँ एन माइनस वन, तो फर्स्ट इनमें से किसी एक को, इनमें से किसी एक को यहाँ पे रखेंगे, कितने तरीके से रख सकते हैं, एन वे से, क्योंकि एन थिंग्स हैं। सेकंड प्लेस पे एन माइनस वन वे से, थर्ड प्लेस पे एन माइनस टू, क्योंकि एक कम होते जाएंगे ना। अब फर्स्ट वाला थ्योरम देखे थे ना, उसी के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही अगर एंथ की बात करें तो ये सारे कम होते जाएंगे, लास्ट में क्या बच जाएगा आपका, बच जाएगा कितना, बच जाएगा एन माइनस एन प्लस वन थिंग्स, यानी कि वन ही ना हो गया, इसके लिए वन वेज हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एन माइनस वन थिंग्स, यानी कि वन वे हो जाएगा, इतना वेज। तो हम लोग लिख देंगे कि टोटल नंबर ऑफ वेज सबको प्रोडक्ट कर देंगे, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, कहाँ तक, ये इधर अगर इसके लिए बात करेंगे तो टू वेज हो जाएगा, टू वन तक। एक्चुअल में क्या है, एन का फैक्टोरियल है ना जी, यानी कि हमें यहाँ से ये क्लियर हो गया कि एन थिंग्स में से ऑल को एट ए टाइम लेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो एन फैक्टोरियल के इक्वल होगा। ऐसे पूरा लैंग्वेज में लिख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट थ्योरम में लिखा था, तो उतना ज्यादा लिखने की क्या जरूरत है, आपको क्लियर हो ही गया, समझ में आ ही गया। चलिए थ्योरम फोर देखिए, प्रूफ दैट जीरो का फैक्टोरियल वन होता है, मैंने आपको बताया था ना कि आगे एक कंसेप्ट मिलेगा। चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। अभी थ्योरम थर्ड में देखा कि एन डिफरेंट थिंग में से एन एट ए टाइम चुना जाता है तो उसका वैल्यू एन फैक्टोरियल के इक्वल होता है, थ्योरम थर्ड से। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n का फैक्टोरियल बाई n माइनस n का फैक्टोरियल, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि n पी आर जो होता है वह n का फैक्टोरियल बाई में n माइनस आर के फैक्टोरियल के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद n का फैक्टोरियल बाई में जीरो का फैक्टोरियल इक्वल टू में n का फैक्टोरियल, ये काट देते हैं, यहाँ से आ गया ना कि जीरो का फैक्टोरियल वन के इक्वल होगा, यही ना हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। चलिए तो अब इसी पे बेस्ड आपका आगे आने वाला एक्सरसाइज है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज थ्योरम को याद रखेंगे और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आगे एक्सरसाइज में देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि कांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।